पुस्तकपुर नाम के गांव में दर्पण नाम का एक बैल रहता है। दर्पण बैल हर उस गाय और बैल के नकल करके मजाक उड़ाता है जिन्हें कोई चोट लगी हो या कोई ठीक से चल बोल या सुन नहीं पाते हैं। कहाँ जा रहे हो लंगड़े चाचा जी? आओ देखते हैं, तुम मच्छे से लंगड़ाते हो या मैं? ऐसे कहते हुए दर्पण बैल एक चोट लगे हुए बूढ़े बैल की नकल करके उसका मजाक उड़ाता है। रुक जा कमीने, एक बार मेरे पैर को ठीक होने दे, फिर दिखाता हूँ तुझे लंगड़ना किसे कहते हैं। दर्पण बैल को अब ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई है, इसलिए कोई कुछ भी कहे वो अपनी मनमानी करके वहाँ से चला जाता है। इसे कैसे भी करके सबक सिखाना ही होगा मुनमुन बेटा। सबकी नकल करने वाले के साथ जब कुछ हुआ तो तब उसे पता चलेगा। आप चिंता मत करो चाचा जी, मेरे पास उसे सबक सिखाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इस बार आप उसकी ओर देखकर हंसना बस। ऐसे कहते हुए मुनमुन बैल बड़ी चालाकी से उस गांव के पहलवान बैल के पीछे काला रंग लगाकर भाग जाता है। लेकिन उसे ऐसे करते हुए पहलवान बैल की पत्नी देख लेती है और उसे ऐसे बता देती है, आपने उस मुनमुन को कुछ कहा था क्या? वो ऐसे आप पर रंग डालकर क्यों भाग गया? अच्छा, तो ये मुनमुन का काम है। मेरा इंतजार मत करना, आने में देर हो सकती है। जब तक मैं उस मुनमुन का कचूमर बना दूं, मैं ना वापस आऊंगा और ना ही ये रंग हटाऊंगा। ऐसे कहते हुए पहलवान बैल मुनमुन बैल को बड़े गुस्से में गांव भर में ढूंढता है। इस बात से अनजान मुनमुन बैल मजे से गांव में घूम रहा था, तब उसे एक बैल ऐसा पूछता है, अरे तुमने पहलवान के साथ ऐसा क्या कर दिया है मुनमुन? वो पता नहीं कब से ढूंढ रहा है तुम्हें। उससे मिलकर बात कर लो या कहीं पर जाकर चुप जाओ। वो बात सुनकर मुनमुन बैल घबरा जाता है और सोचता है कि इतना ध्यान से सब करने के बावजूद भी उसे ये बात कैसे पता चला। चाहे जैसे भी पता चला हो, अब मुझे सिर्फ तब तक बचकर रहना होगा जब तक कि दर्पण और पहलवान एक दूसरे के सामने ना आ जाए। ऐसे कहते हुए मुनमुन बैल चुपके से सिर्फ देखता रहता है। वही पहलवान के पास से गुजर रहा दर्पण उस पर लगे हुए रंग को देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाता है। अरे रे रे रे, मेरी चाल देखो, मेरे तुमके देखो, पीछे रंग लगाकर मटक रहे उस पहलवान को देखो। वो बात सुनते ही पहले से गुस्से में फिर रहे पहलवान को और भी गुस्सा आता है, इसलिए वो दर्पण को बगा बगा कर मारता है। अबे छोड़ दे साथ, मजाक ही तो किया था, क्यों ऐसे मेरे पीछे पड़ गया है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ, नौटंकी कही के। ऐसे कहते हुए दर्पण बैल की कूप पिटाई करके उसकी एक टांग तोड़ देता है पहलवान बैल। वो देखकर दूर खड़ा होकर हंस रहे मुनमुन बैल को भी पकड़कर कूप पीटता है वो पहलवान बैल। अगले दिन दर्पण बैल लंगड़ाते हुए चलता है और मुनमुन बैल चोट लगने की वजह से हाँ हूँ करता हुआ चलता है। सब दर्पण को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और मुनमुन को देखकर ऐसे कहते हैं, चिंता मत करो मुनमुन, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। तुम सब मुझ पर हंस रहे हो और मुनमुन को इतनी अच्छी बातें कह रहे हो, ये सही नहीं है। तुम औरों के साथ जैसे बर्ताव करते हो, वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं।
इसमें क्या गलत है? वो बात सुनने के बाद दर्पण बेल को अकल और शर्म आती है। पीलू बेल को बचपन से ही एक पुलिस वाला बनने का बहुत शौक है। पुलिस वाला बनना और मुजरम को पकड़ना ही पीलू बेल की जिंदगी का इकलौता मकसद है। इसलिए वो सिनेमा हो या टीवी शो हमेशा पुलिस की कहानियां ही देखता था। ऐसे पीलू बेल की नौकरी टेडीपुर नाम के एक गांव में लगी है। टेडीपुर मतलब सभी तोड़फोड़ करने वाले मुजरिम होंगे वहाँ पर। ऐसे मुजरिमों को पकड़कर अपनी लाठी से सबक सिखाने का अलग ही मजा है। ऐसे कहते हुए पीलू बेल को ये बात पता नहीं है कि टेडीपुर गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ पर किसी से झगड़ा करना या मारपीट करना तो दूर की बात है, वो एक दूसरे से गुस्से में भी बात नहीं करते हैं। गांव वालों, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सबका रक्षक पीलू इंस्पेक्टर हर वक्त आपकी सुरक्षा में लगा रहूंगा। पीलू बेल का भाषण सुनकर गांव वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी और किसी ने भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे उस गांव में। लगता है इंस्पेक्टर साहब कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए हैं। कोई इन्हें बताओ कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको आपका स्टेशन दिखाता हूँ और साथ ही रास्ते में आपको इस गांव के बारे में बता देता हूँ। ऐसे कहते हुए चीलू बेल इंस्पेक्टर पीलू बेल को रास्ते में सारी बात बताता है। वो सुनने के बाद पीलू बेल को विश्वास ही नहीं होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। ये एक भी गलत काम नहीं और गलत बात नहीं। सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। मैं ये बात नहीं मान सकता हूँ। ऐसे कहते हुए पीलू बेल हर वक्त गांव वालों पर चुपके से नजर रखता है और बिना वजह उन्हें पकड़कर परेशान करने लगता है। ओए रुक, ये तो चीलू का घर है ना? तुम ऐसे चुपके से क्यों भाग रहे हो यहाँ से? सच बताओ, क्या चुराया है तुमने? पागल हो क्या? ये मेरी बहन का घर है। बच्चे मुझे नहीं जाने दे रहे हैं कहकर चुपके से जा रहा हूँ तो शोर मचा रहे हो। ऐसे कहते हुए वो बेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीलू बेल उसे वहाँ से जाने नहीं देता है। तभी अपने घर के बाहर इतना शोर सुनकर चीलू बेल और उसके बच्चे बाहर आते हैं। तुम अभी तक यहाँ हो? मैं इन बच्चों को और नहीं संभाल सकता हूँ। जो करना है कर लो। मैं तो चुपचाप ही जा रहा था, इस बेवकूफ पुलिस वाले ने रोक लिया है मुझे और ऐसा शोर मचाने लग गया। ऐसे पीलू बेल से परेशान उस गांव के सभी बड़े लोग मिलकर कैसे भी करके पीलू बेल को उस गांव से भगाने की योजना बनाते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें हर छोटी बात पर शिकायत दर्ज करवाकर उसे इतना परेशान करना होगा कि वो खुद ही चला जाएगा यहाँ से। ऐसे कहते हुए गांव वाले छोटी बात पर शिकायत दर्ज करवाते हैं। कोई कहते हैं कि मेरी मुर्गी खो गई है, तो कोई कहता है कि उसके नए चप्पल नहीं मिल रहे हैं, और बच्चे भी उन्हीं का साथ दे रहे थे। इंस्पेक्टर जी, मुझे एक बहुत ही जरूरी शिकायत करवानी है। मुझे मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है। ये एक पेंसिल ही तो है बेटा, तुम सब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? दूसरे पेंसिल खरीद लो ना बेटा। सर जी, वो पेंसिल आपके लिए सिर्फ एक मामूली पेंसिल होगा, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए एक भविष्य होती है एक पेंसिल। पीलू बेल आखिर में हार मानकर
वहाँ से चले जाने का फैसला करता है। मेरा सपना था कि मैं मुजरिमों को पकड़कर जेल में बंद करूं, जो औरों को परेशान करते हैं। एक ना एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा टेडीपुर वालों। ऐसे कहकर पीलू बेल हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है।